हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास ए बी पुशपुल पावर एम्पलीफायर। क्लास ए बी पुशपुल पावर एम्पलीफायर में क्या होता है कि हमने देखा था क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन पैदा हुआ था और क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन को कैसे हटाते हैं वो हम इस पुशपुल पावर एम्पलीफायर में देखेंगे। क्लास ए बी ऑपरेशन में पुशपुल पावर एम्पलीफायर देखते हैं कि क्लास ए बी में कैसे क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन को हटाया जाता है। तो क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन क्या था कि जब एक ट्रांजिस्टर ऑफ हो रहा है तो दूसरा ट्रांजिस्टर इमिडिएटली ऑन नहीं होगा, तो इस कारण क्या होता है कि कुछ समय के लिए आउटपुट करंट जीरो रहती है, तो यही क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन कहलाता है कि जब एक ट्रांजिस्टर ऑफ हो रहा है दूसरा ट्रांजिस्टर तुरंत ऑन नहीं होगा, तुरंत कंडक्ट नहीं करेगा, तो इमीडिएट कंडक्ट नहीं होने के कारण जो आउटपुट करंट है तब जीरो रहती है, क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर उस टाइम के लिए कुछ समय के लिए दोनों ऑफ रहते हैं। तो ये इस कारण क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन पैदा हुआ था। हमने वेवफॉर्म भी देखी थी पिछले वीडियो में। तो क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन को हटाने के लिए क्या करते हैं कि जब एक ट्रांजिस्टर ऑफ हो रहा है तो दूसरा ट्रांजिस्टर को इमीडिएटली कंडक्ट करने के लिए, इमीडिएटली कंडक्ट होने के लिए क्या चाहिए, उसको 0.7 वोल्टेज मिलना चाहिए। तो 0.7 वोल्टेज, जैसे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के लिए कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है, तो 0.7 वोल्टेज उसको इमीडिएटली मिलना चाहिए। तो 0.7 वोल्टेज अगर उसको मिल जाता है बेस और एमिटर जंक्शन के बीच में, वी बी कट इन जिसको बोलते हैं, यदि उसको 0.7 वोल्टेज यदि लगातार मिल रहा है तो वह क्या होगा कि जैसे एक ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो दूसरा ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, क्योंकि वो कंडक्ट करता ही रहेगा क्योंकि उसको 0.7 वोल्टेज मिल ही रहा है। तो जब एक ट्रांजिस्टर ऑफ हो रहा है तो दूसरा ट्रांजिस्टर इमीडिएटली ऑन हो जाएगा, तो क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन इस प्रकार हट जाएगा। तो हटाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है कि बेस और एमिटर जंक्शन के, प्रत्येक ट्रांजिस्टर के बेस और एमिटर जंक्शन में 0.7 वोल्टेज हमको देना पड़ेगा डीसी वोल्टेज, 0.7 वोल्टेज सिलिकॉन अगर ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्टेज कट इन वोल्टेज होता है, वी बी कट इन, तो बेस और एमिटर जंक्शन में 0.7 वोल्टेज इसको मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट करते हैं ताकि बेस और एमिटर जंक्शन के बीच में 0.7 वोल्टेज अवेलेबल रहे। तो इसके लिए हमने क्या किया कि दो प्रतिरोध लगाए R1 और R2 को वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क के रूप में ये कनेक्ट किया। देखो वोल्टेज डिवाइडर में यहाँ पे वही है पुशपुल पावर एम्पलीफायर जो क्लास बी पुशपुल पावर एम्पलीफायर था, सेम एज इट इज़ है, बस इसमें हमने चेंजेस किया कि R2 यहाँ पे जो सेंटर टैप है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पे R2 प्रतिरोध लगाया और R1 प्रतिरोध को इस प्रकार कनेक्ट किया है कि ये वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म कर रहे हैं, वोल्टेज डिवाइडर ये नेटवर्क बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि R2 प्रतिरोध और R1 प्रतिरोध को ऐसे इसकी वैल्यू ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि जो बेस और एमिटर के बीच का जो वोल्टेज है वह कितना हो जाए, R2 इंटू VCC बटे R1 प्लस R2, R2 के इंटू VCC बटे R1 प्लस R2। तो प्रत्येक ट्रांजिस्टर के बेस और अमीटर जंक्शन का जो वोल्टेज है VBE1, जो Q1 ट्रांजिस्टर है उसके बेस और अमीटर के बीच का वोल्टेज VBE1, Q2 ट्रांजिस्टर है उसके बेस और अमीटर के बीच का वोल्टेज VBE2, वह दोनों बराबर हो जाए और वह किसके बराबर हो जाए, VB कट इन वोल्टेज, जो कि 0.7 वोल्टेज सिलिकॉन के लिए, तो VB कट इन के बराबर हो जाए और वह कितना हो, R2 इंटू VCC बटे R1 प्लस R2। ये R2 के यहाँ पे R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वह कितना होगा, यहाँ पे इसके यहाँ पे जो वोल्टेज है वह कितना होगा, R2 के अक्रॉस वोल्टेज R2 इंटू VCC बटे R1 प्लस R2। ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क रूल लगाए जिससे वोल्टेज डिवाइडर के द्वारा क्या होगा, R2 के अक्रॉस वोल्टेज R2 इंटू सप्लाई वोल्टेज VCC बटे कुल प्रतिरोध R1 प्लस R2। तो ये R2 के अक्रॉस प्रतिरोध बोलो या फिर बेस और अमीटर के अक्रॉस प्रतिरोध बोलो, बात एक ही है, बेस और अमीटर के अक्रॉस प्रतिरोध। तो दो जो वोल्टेज है R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही बेस और अमीटर के अक्रॉस वोल्टेज है, वही VB1 है और वही VB2 है। देखो R2 के अक्रॉस वोल्टेज कितना हुआ, जो भी वोल्टेज यहाँ पे R2 के अक्रॉस है वोल्टेज, वही तो Q1 ट्रांजिस्टर के बेस और अमीटर के बीच का वोल्टेज है और वही Q2 के बेस और अमीटर का वोल्टेज है, वही वोल्टेज है, सेम वोल्टेज है। तो VB1 बराबर VB2 बराबर क्या है, R2 के अक्रॉस वोल्टेज, तो कितना होगा, R2 इंटू VCC बटे R1 प्लस R2। और वह कितना किस और R1 R2 की वैल्यू ऐसे सेलेक्ट करते कि वह कितनी हो जाए, 0.7 वोल्टेज हो जाएगी, या उसको बोलते हैं कटिंग वोल्टेज सिलिकॉन का VB कटिंग के बराबर हो जाए। तो इस प्रकार हम R1 और R2 की वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे जब एक ट्रांजिस्टर ऑफ हो रहा है तो दूसरा ट्रांजिस्टर इमीडिएटली ऑन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि
प्रत्येक ट्रांजिस्टर को 0.7 वोल्टेज उसको लगातार मिल रहा है, तो दूसरा ट्रांजिस्टर हमेशा के लिए अवेलेबल ऑन रहेगा, अवेलेबल कंडक्ट रहे कंडक्ट करता रहेगा। और जैसे ही जैसे Q2 ट्रांजिस्टर ऑफ हो रहा है तो Q1 ट्रांजिस्टर भी इमीडिएटली ऑन हो जाएगा, क्योंकि इमीडिएटली कंडक्ट करेगा, क्योंकि उसको 0.7 वोल्टेज मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से ये क्लास ए बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर की वर्किंग है मेन, बाकी सब वर्किंग तो सेम ही है। I1 करंट यहाँ पे फ्लो होगी, यही कलेक्टर करंट Q1 की, और Q2 की कलेक्टर करंट I2 इधर से फ्लो होगी, और I1 I2 का यहाँ पे सेकेंडरी ट्रांसफार्मर से, ये आउटपुट ट्रांसफार्मर है, तो आउटपुट ट्रांसफार्मर की यहाँ पे करंट फ्लो होगी लोड में I। ये सेम एज इट इज़ वर्किंग है जैसे क्लास बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर की। यहाँ पे बस ये चेंजेस किया कि हमने वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क लगा दिया, और इस प्रकार से हमने क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को हटाया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रत्येक ट्रांजिस्टर है वह जो इनपुट सिग्नल की साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल से ज़्यादा कंडक्ट करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल से ज़्यादा कंडक्ट करेगा, लेकिन फुल साइकिल तक कंडक्ट नहीं करेगा। ये क्लास ए बी ऑपरेशन में होता है कि जो अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल पावर एम्पलीफायर। कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल पावर एम्पलीफायर में क्या करेंगे, देखो पुश पुल पावर एम्पलीफायर, पुश पुल पावर बहुत बार आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल पावर एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं हम। तो कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल पावर एम्पलीफायर में क्या होता है कि इसमें भी Q1 और Q2 ट्रांजिस्टर आपस में, दो ट्रांजिस्टर हम यूज़ लेते हैं, लेकिन वहाँ यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर NPN होगा और दूसरा ट्रांजिस्टर PNP होगा। और जैसे हमने क्लास बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर में पढ़ा था कि वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाए थे हमने, ड्राइवर ट्रांसफार्मर और आउट, वो मतलब दो ट्रांसफार्मर लगाए थे, एक तो ड्राइवर ट्रांसफार्मर जिसको बोला था, और एक को फिर यहाँ पे लगाया था आउटपुट में, तो आउटपुट ट्रांसफार्मर, तो दो ट्रांसफार्मर लगाए थे। बट यहाँ पे कोई भी ट्रांसफार्मर लगाया नहीं है, हमने यहाँ पे केवल दो बैटरियाँ लगाई है जो कि Q1 के लिए और Q2 के लिए सप्लाई का काम कर रही है, बायसिंग कर रही है Q1 के लिए और Q2 के लिए। तो Q2 PNP ट्रांजिस्टर है तो नेगेटिव पावर सप्लाई है, Q1 NPN ट्रांजिस्टर है तो पॉजिटिव पावर सप्लाई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पॉजिटिव सप्लाई है, यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई है। अब देखते हैं कि यहाँ पे ये जो सर्किट है, ये सर्किट की विशेषता यही है, इसका बेनिफिट यही है, एडवांटेज यही है कि ट्रांसफार्मर लेस सर्किट है, ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं हो रहा। तो जैसे ट्रांसफार्मर बहुत बल्की होते हैं, साइज में ज़्यादा होते हैं, तो ये हैवी सर्किट नहीं है, बहुत इजी सर्किट है, और इसका जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी क्योंकि ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक ट्रांजिस्टर NPN है, दूसरा ट्रांजिस्टर PNP यूज़ कर रहे हैं, वर्किंग तो सेम ही है। जैसे देखो वर्किंग में तो क्या है, जैसे इनपुट यहाँ पे दोनों के बेस में जा रहा है Q1 और Q2 के, तो Q1 जैसे ही ट्रांजिस्टर के बेस में इनपुट सिग्नल जाएगा, तो इनपुट सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि पॉजिटिव बेस में जाएगा, तो बी में यहाँ पे पॉजिटिव NPN ट्रांजिस्टर है, तो Q1 ट्रांजिस्टर उस टाइम ऑन हो जाएगा और Q2 ट्रांजिस्टर उस टाइम ऑफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Q2 ट्रांजिस्टर के बेस में पॉजिटिव हाफ साइकिल जा रही है, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज है, और यहाँ पे बेस में, यहाँ पे बेस किसका बना हुआ है, एन टाइप है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इस प्रकार से यह रिवर्स बायस हो गया। तो Q2 ट्रांजिस्टर उस टाइम ऑफ रहेगा, Q1 ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, क्योंकि Q2 ट्रांजिस्टर के बेस में पी टाइप है बेस, और इनपुट सिग्नल भी पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यह फॉरवर्ड बायस करेगा Q1 ट्रांजिस्टर को, और इस प्रकार यह Q1 ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा उस टाइम, और Q2 ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा इनपुट सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट क्यू वन कंडक्ट एंड Q2 ऑफ, Q1 कंडक्ट करेगा, Q2 ऑफ होगा, तो Q1 में जो कलेक्टर करंट है वह यहाँ पॉजिटिव, यहाँ से ये VCC सप्लाई से फ्लो होगी, यहाँ पे VCC बैटरी से प्लस यहाँ से निकलेगी करंट I1, इसको कलेक्टर करंट ये I1 है Q1 ट्रांजिस्टर के लिए, और इनपुट सिग्नल का जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या होगा, ये धनात्मक अर्धचक्र और ये ऋणात्मक अर्धचक्र, तो ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव माइनस आया, और यहाँ पे पी है तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ये बेस पी टाइप का बना है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में Q1 ट्रांजिस्टर अब ऑफ हो जाएगा, रिवर्स बायस होने का, इन Q1 ट्रांजिस्टर ऑफ और Q2 ट्रांजिस्टर उस टाइम ऑन होगा। कैसे? नेगेटिव हाफ साइकिल आई, ऋणात्मक अर्धचक्र में यहाँ नेगेटिव वोल्टेज, यहाँ पे बेस भी, बेस किसका बना है, बेस भी एन टाइप का बना है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव, तो यह फॉरवर्ड बायस हो जाएगा Q2, तो Q2 कंडक्ट करेगा, Q1
Q1 ऑफ होगा, कब? इनपुट सिग्नल के नेगेटिव हाफ साइकिल में या ऋणात्मक अर्ध चक्र में Q2 कंडक्ट करेगा और Q1 ऑफ रहेगा। तो Q2 कंडक्ट करेगा तो करंट फ्लो होगी, करंट कलेक्टर करंट कैसे फ्लो होगी, यहाँ पे ये बैटरी लगाइए VCC बैटरी, ये VCC बैटरी बोलते हैं, इसको VE बैटरी नाम दे देते हैं। तो यहाँ से करंट फ्लो होगी पॉजिटिव से, ऐसे करंट फ्लो होगी, इसके कलेक्टर करंट ऐसे फ्लो होगी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो ये लोड लगा है, यहाँ पे लोड कनेक्ट किया है दोनों के अमीटर में, यहाँ पे लोड कनेक्ट किया हुआ है दोनों के अमीटर से, यहाँ पे दोनों का अमीटर को जोड़ के यहाँ से लोड कनेक्ट कर रहे हैं RL। तो दोनों में करंट कैसे फ्लो हो रही है, दोनों में करंट RL में करंट की दिशा यहाँ से यहाँ है, और Q2 ट्रांजिस्टर में जब करंट फ्लो हो रही है कलेक्टर करंट, तो उसकी दिशा यहाँ से यहाँ है। तो कहने का मतलब दोनों करंट की दिशा विपरीत है, I1 और I2 करंट दोनों की दिशा विपरीत है, दोनों की दिशा अपोजिट है। तो I1 और I2 दोनों की दिशा अपोजिट होने के कारण जो नेट करंट है RL में वह क्या होगी, सिनोसोइडल बोल सकते हैं उसको, और AC सिग्नल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ लिखा हुआ है फॉर फुल साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल कंप्लीट साइकिल ऑफ आउटपुट सिग्नल इज ऑब्टेन, पूरा कंप्लीट साइकिल आउटपुट सिग्नल का ऑब्टेन हो रहा है यहाँ पे RL लोड में, क्योंकि I1 और I2 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। I1 जैसे कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और I2 अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। जैसे I1 की डायरेक्शन इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल मान लेते हैं, तो I2 की डायरेक्शन नेगेटिव हाफ साइकिल में फ्लो हो रही है। तो कहने का मतलब RL लोड में जो करंट फ्लो हो रही है वह बाई डायरेक्शनल फ्लो हो रही है, उसको बोल सकते हैं AC सिग्नल फ्लो हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं इसको सिनोसोइडल सिग्नल फ्लो हो रहा है RL लोड में। तो कंप्लीट साइकिल फ्लो हो रही है इनपुट सिग्नल की, कंप्लीट साइकिल के लिए आउटपुट सिग्नल भी हमको कंप्लीट मिल रहा है लोड के अक्रॉस। जो ट्रांसफार्मर होता है और कॉस्ट ज़्यादा होती है वह यहाँ पे कॉस्ट भी कम लग रही है, और ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं होने से ये स्पेस भी कम घेर रहा है। तो यहाँ पे यही फायदा है इसका, बट यहाँ पे क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन यहाँ पे भी पैदा होता है, क्योंकि पुश पुल ओवर एम्पलीफायर में क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन क्रिएट होता है। तो क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन यहाँ पैदा होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल पावर एम्पलीफायर है। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिस्टोर्शन, पुश पुल पावर एम्पलीफायर में डिस्टोर्शन कैसे पैदा होता है। पुश पुल पावर एम्पलीफायर में अब डिस्टोर्शन पढ़ेंगे हम। तो डिस्टोर्शन पुश पुल पावर एम्पलीफायर में किस प्रकार का डिस्टोर्शन पैदा होता है, किस प्रकार का विरूपण पैदा होता है वह देख लेते हैं। माना कि जो ट्रांजिस्टर का बेस करंट है IB करंट, वह सिनोसोइडल है, तो उसको दिया जाता है IM cos ωt। IB इक्वल टू IM cos ωt ले सकते हो या IM sin ωt कुछ भी ले सकते हो। तो अपन ने ले लिया IB = IM cos ωt, जहाँ पे IM क्या है, यह पीक वैल्यू है बेस करंट की, यह पीक वैल्यू है, और ओमेगा क्या है, सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। तो IB करंट अगर बेस कर में इतनी करंट जा रही है, तो जो कलेक्टर करंट है, आउटपुट कलेक्टर करंट है, ये इनपुट बेस करंट है, आउटपुट कलेक्टर करंट है, वह कितनी होगी। अब देखो ट्रांजिस्टर की नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होती है, अरेखिक गुणधर्म होने के कारण क्या होता है, ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर करंट है उसके आउटपुट में कुछ डिस्टोर्शन आ जाता है, कुछ विरूपण आ जाता है। तो आउटपुट के जो कलेक्टर करंट है वह उसमें हार्मोनिक्स आ जाते हैं, वह हम देखते हैं, जिसको हार्मोनिक्स बोलते हैं डिस्टोर्शन। तो हम देखते हैं कि आउटपुट जो कलेक्टर करंट है वह अरेखिक गुणधर्म होने के कारण, ट्रांजिस्टर के नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होने के कारण क्या होता है, आउटपुट कलेक्टर करंट IC = K1 × IB प्लस K2 × IB² + K3 × IB³ ऐसे दिया जाता है। तो कलेक्टर करंट और बेस करंट के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन इस प्रकार से दिया जाता है IC = K1IB + K2IB² + K3IB³ + K4IB⁴ और ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो ये K1, K2, K3 ये तो सब कॉन्स्टेंट है, और ये रिलेशन ऐसे दिया जाता है नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होने के कारण। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा ये डिस्कस कर लेंगे कि पुश पुल पावर एम्पलीफायर में डिस्टोर्शन का ये पूरा डेरिवेशन देख लेते हैं।
और कैसे इसमें हार्मोनिक कैंसल भी होते हैं और हार्मोनिक्स क्या होते हैं वो सब हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।